दिलदार नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को क्षेत्र के रक्सहा बाईपास के पास से एक बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया, जिसके बाद पुलिस द्वारा अभियुक्त का संबंधित धाराओं में चालान कर दिया गया है। मालूम हो कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था के मद्देनजर उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह यादव हमराहियों के साथ भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे क्रॉसिंग रक्सहा बाईपास फाटक के सामने एक व्यक्ति खड़ा है, उसके पास असलहा भी है। इस सूचना पर वह पुलिस टीम के साथ मौके के लिए रवाना हो गए। पास पहुंचने पर जैसे ही खड़े व्यक्ति की नज़र पुलिस पर पड़ी वह भागने लगा, लेकिन पुलिस ने दौड़कर कुछ ही दूरी पर उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 12 बोर का एक तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ। उप निरीक्षक ने बताया कि फंदे में आया बदमाश क्षेत्र के फतेहपुर निवासी यानू यादव उर्फ आदित्य हैं। संबंधित धाराओं में उसका चालान कर दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक के साथ हेड कांस्टेबल राकेश सिंह, हेड कांस्टेबल अजय प्रताप सिंह, कांस्टेबल बैजनाथ यादव और कांस्टेबल दिलीप भगत शामिल थे। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।